कर रहे थे, तब कुमार विश्वास ने मोदी को सबसे लोकप्रिय जननायक, निष्कलंक, शिव के समान विष पीने वाला नीलकंठ और अंधेरों के बीच रोशनदान जैसा बताया था। कि मैं जानता हूं कि दो तीन चेहरे ऐसे हैं जिन पे आपकी दुकान चलती है, उनमें से एक नरेंद्र भाई का भी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम पर भी कृपा कीजिए, मेहनत हम भी कर रहे हैं। कई बार तो ये ईर्ष्या पैदा करते हैं मेरे अंदर कि यार गजब मामला हुआ पड़ा है, लेकिन क्या करें, देश के 27-28 जो प्रदेशों के जननायक हैं उनमें सबसे लोकप्रिय आप हैं, और कई बार मैं ईश्वर की ओर देखकर आपके विषय में ये सोचता हूं कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर और राजनीति ने डोरे डाले फिर लेखन के व्रत पर। जो लोग नरेंद्र भाई को जानते हैं वो जानते हैं कि अगर वो राजनेता ना होते तो मंच को एक बड़ा धुरंधर कवि मिल जाता, और मेरे को भी लगता कि अपने गोत्र जैसा एक और है, वरना मुझे इनसे अकेले ही जूझना पड़ता है कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर, राजनीति ने डोरे डाले फिर लेखन के व्रत पर। मैं पंक्ति पढ़ता हूं बालकवि बैरागी की, आपकी दाद उठे अगर मैं सच कह रहा हूं इतने बड़े व्यक्ति के आगमन पर, कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर, राजनीति ने डोरे डाले फिर लेखन के व्रत पर। और लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई। और जिस राजनीति को काजल कहा जाता है कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना, पर जब जब आप सहारा देते, जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है ये यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहां का सारा विष पी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहां का सारा विष पी लेंगे। इस देश के अराजक धुएं के बीच कुछ दो चार रोशनदान हैं जिनसे उजाले की किरण आती है, विपरीत लोग भी और अनुकूल लोग भी, दोनों आपके अस्तित्व के होने से इनकार नहीं कर सकते। विपरीत पूरी शिद्दत के साथ अस्वीकार करते हैं और अनुकूल पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार करते हैं। मनुष्य वो जो ऐसे जिए कि जब फूल की तरह पृथ्वी से जाए तो बीज धरती में हो और सुगंध आसमान में। कुमार विश्वास ने अब बहुत सारी कविता पढ़ी थी और बहुत कुछ कहा था नरेंद्र मोदी की तारीफ में।